जिसके बाप दादा कल तक खाट में नहीं बैठ पाते थे, अब कुर्सी पे बैठ गए हैं, वो लोग बोलते हैं कि बहन जी कुछ नहीं की है। और जिन्होंने कुछ नहीं किया वो अपने लालच में बोलते हैं कि बहन जी कुछ नहीं की है, बहन जी कुछ नहीं की है। अरे तुम कुछ करके दिखाओ, बहन जी नहीं किए तो बहन जी तो करके दिखाई है। बहन जी के राज में जैसा राज चला था वैसा किसी के राज में नहीं चला। हमने खुद अपने आंखों से राज बहन जी चला रही थी, देखा था कि वो राजा भैया को कैसे जेल पहुंचाने का काम किया था। बहन जी के रहते हुए गुंडे लोग जेल के अंदर थे, कोई बाहर नहीं था। महिलाएं इतनी सुरक्षित समझती थी, कोई डर का थोड़ा सा भी माहौल नहीं था। फ्री नहीं, रोजगार चाहिए सबका और सम्मान चाहिए। जब से मशीन चल गई है तब से हमारा वोट बहन जी के पे जा ही नहीं रहा है। और देते भी तो नहीं लोग को? नहीं देते हैं, हम सब देते हैं। दिल्ली में तो बहुत ही कम है जनाब। दिल्ली में हम देते हैं, जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक हम बहन जी को वोट देते रहेंगे। खुले आम देते हैं, खुले आम रहते हैं। दोस्तों आज मान्यवर साहब कांशीराम की पुण्यतिथि है और आज के दिन जो है दिल्ली के अंदर हजारों से ज्यादा की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता साहब मान्यवर कांशीराम को याद करने आए, उनको नमन करने आए। उसी कड़ी में हमारे साथ जो है आदर्श नगर जिला की कोषा अध्यक्ष है, जान लेते हैं महिला है कि किस तरीके से बहन जी ने अभी इन लोगों को संबोधित किया है, क्या कुछ इन लोगों को आगे की रणनीति को लेकर तैयारियां बताई है। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम अनीता अम्बेडकर है, मैं आदर्श नगर जिला से कोषा अध्यक्ष हूँ। बाकी बहन जी ने जो हम लोगों को संबोधित किया है, हम लोग सोचते हैं कि उनके वचनों पर खरा उतरें और समाज को जोड़ने का काम करें और जमीनी स्तर पर भी काम करें। अरे क्या लग रहा है, मतलब अभी बहन जी ने आप लोगों को संबोधित किया, कई हजार की संख्या में महिलाओं समेत पुरुष बैठे थे यहाँ पर, क्या लग रहा है बहन जी का दर्द झलका है जो, तो उसको लेकर आप लोग कितना मतलब तैयार हैं आगे के लिए? बहुत, पूरा दमखम से तैयार रहेंगे, तन मन धन से तैयार रहेंगे। बस हमारा जितना मतलब हम अपने परिवार से लेके बाकी आस पड़ोस जितने सब हैं, हम सबको ये सोचेंगे कि बहुजन समाज के मूवमेंट को समझे, भारत के संविधान को समझे। अब बहन जी ने जो हम लोगों के लिए बीच वो बातें बोली, जो उनके अंदर पीड़ा है शायद वो किसी पार्टी वालों के अंदर नहीं है, बहुजन समाज के लिए, हर एक समाज के लिए बहन जी के अंदर पीड़ा है। क्या लग रहा है उस पीड़ा को कैसे खत्म करेंगे फिर आप लोग? कैसे खत्म करेंगे? सबसे पहले तो हम एबीएम खत्म करना चाहिए। एबीएम सबसे ज्यादा चोर है। एबीएम के वजह से हमारे बहन जी को तो वोट मिलता है, हमारे पार्टी को वोट मिल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वोट एबीएम। अभी हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, 1% कुछ वोट मिला है बीजेपी, वहाँ तो जातिवाद ज्यादा करके हुआ। हमारे पार्टियों ने तो, हमारे जो समाज के लोग हैं वो तो बहन जी जो कहती हैं वो कर देते हैं, वो वोट ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन जो जाटव समाज के हैं, जो और वहाँ के हैं लोग, वो अपना वोट, हमारे लोग जो खड़ा होते हैं उनको अपना वोट ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो इसीलिए गठबंधन में कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है बहुजन समाज को। इसीलिए बहन जी के लोग रहते हैं यहाँ, उन्हीं के लोग रहते हैं, हमारे लोग जो रहते हैं, हमारा वोट कहाँ देते हैं उन्हीं का, और हमारा वोट पता कहाँ जाता है। जब से मशीन चल गई है तब से हमारा वोट बहन जी के पे जा ही नहीं रहा है। और देते भी तो नहीं लोग को? नहीं देते हैं, हम सब देते हैं। दिल्ली में तो बहुत ही कम है जनाब। दिल्ली में हम देते हैं, जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक हम बहन जी को वोट देते रहेंगे। खुले आम देते हैं, खुले आम रहते हैं। आपके अकेले वोट देने से थोड़ी कुछ? हम तो देते भाई, लोगों को बताते हैं, जागृति करते हैं कि आप भी बहन जी, क्योंकि बहन जी हमारे लिए लड़ रही है, हमारे लिए उनके पीड़ा है, हमारे लिए वो लड़ रहे हैं, तो उनका साथ हमें देना ही चाहिए। हमारे लोग भटके हुए हैं, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी आई है सबको फ्री का लालच दे रखी है, हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, बिजली बिल फ्री कर देंगे, तुम्हें बस में फ्री कर देंगे। गरीब मनाई कितना बस में जा रहा है, वो तो घर के चूल चौके में ही पड़े हुए हैं, बड़े बड़े लोग बस में जाते हैं। बिजली फ्री है, बिजली कुछ नहीं फ्री है, वो एक तरफ से फ्री कर रहे हैं, दूसरे तरफ से हमें से ही ले रहे हैं, और कहीं कुछ नहीं फ्री है। ये बताइए, नहीं हमें गरीब फ्री चाहिए, नहीं हमें बस फ्री चाहिए, हमें राशन फ्री चाहिए, और जो फ्री कर रहे इधर टैक्स लगा रहे हैं उससे ज्यादा हमें टैक्स में निकाल ले रहे हैं, तो फ्री कहाँ से है? राशन में कुछ मिलने वाला है? 5 किलो राशन में कुछ मिलने वाला है क्या गरीबों को? बहुत लोग तो खुश है ना कि केजरीवाल राशन दे रहे हैं मोदी। नहीं नहीं, मगर हम नहीं खुश है ना, राशन किसी के घर से आता नहीं है, राशन तो हमारे लोगों के बीच से जो टैक्स जाता है उसमें से राशन आता है। ना कोई सरकार, ना प्रधानमंत्री दे रही है, ना केजरीवाल दे रही, ना कोई और दे रहा है। फ्री नहीं चाहिए क्या? नहीं, फ्री क्या, वो अपने घर से दे रहे हैं फ्री, थोड़ी दे रहे फ्री। वो तो हम लोगों को राशन मिलता है, पब्लिक के टैक्स से ही मिलता है राशन, कोई भी सरकार आएगी वो तो राशन देगी ही देगी।
चाहे कोई भी सरकार आए, राशन मिलता था पहले मिलता था, अब मान ले जब से मोदी सरकार राशन फ्री मिल रहा है उससे ज्यादा था हम टैक्स में भर रहे हैं। हमारे जो झाड़ू की सरकार अभी दिल्ली में है वो तो फ्री के लालच में लाए हो ना आप लोग। हमें फ्री लालच नहीं चाहिए, हमें बस फ्री कर रखे हैं, हमें जितना फ्री नहीं कर रखे उतना तो टैक्स में निकाल रहे हैं। हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, ये बताइए पहले हमारे बच्चे इतने मेहनत करते थे, पढ़ते थे, पास नहीं हो रहे थे, आज फ्री में पढ़ के पास कैसे हो जाएंगे? आगे डिग्री वो क्या लेंगे जब वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे? तो जब पढ़ते थे एक शिक्षा अच्छी तो कर दी है केजरीवाल ने शिक्षा। हमें फ्री नहीं, रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए, सम्मान नहीं, हमें नहीं कुछ नहीं। कहाँ जगह जगह देख नहीं रहे महिलाओं पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं? अभी देखिए कोलकाता में कैसे अत्याचार हुआ था महिलाओं पर, अब यहाँ यूपी में कैसे अत्याचार हो रहा है। हर किसी की सरकार में होता अत्याचार। नहीं नहीं, बहन जी के राज में जैसा राज चला था वैसा किसी के राज में नहीं चला। हमने खुद अपने आंखों से राज बहन जी चला रही थी, देखा था कि वो राजा भैया को कैसे जेल पहुंचाने का काम किया था। बहन जी के रहते हुए गुंडे लोग जेल के अंदर थे, कोई बाहर नहीं था, महिलाएं इतनी सुरक्षित समझती थी, कोई डर का थोड़ा सा भी माहौल नहीं था। और जो लोग कहते बहन जी कुछ नहीं की है, जिसके बाप दादा कल तक खाट पे नहीं बैठ पाते थे, अब कुर्सी पे बैठते हैं, वो लोग बोलते हैं कि बहन जी कुछ नहीं की है। और जिन्होंने कुछ नहीं किया वो अपने लालच में बोलते हैं कि बहन जी कुछ नहीं की है, बहन जी कुछ नहीं की है। अरे तुम कुछ करके दिखाओ, बहन जी नहीं किए तो बहन जी तो करके दिखाई है। फिर क्यों नहीं, मतलब 2007 के बाद 12 तक सरकार है, उसके बाद तो बहन जी का राज ही नहीं आया, सीट भी नहीं जीती। बीजेपी घोटाला करती है, ईवीएम का घोटाला है, अगर ईवीएम चोर नहीं है तो बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बैलेट पेपर चुनाई कराइए, बैलेट पेपर चुनाई कराइए, देखो बहन जी आगे आ जाएंगे। हमारी पूरी जनता मेहनत कर रही है क्योंकि बैलेट ईवीएम तो पहले भी थी, जब बहन जी की सरकार थी तब भी ईवीएम थी, अब भी ईवीएम है। नहीं इतना पहले धाधरी नहीं था, जो आज भी बच्चे स्कूल नहीं, कितने काम नहीं पा रहे, रोजगार बैठे, महिलाएं पढ़े, लड़के लड़के जवान जवान अपने घर पे बैठे हैं, ऐसे कैसे चलेगा बताइए आप? सबसे ज्यादा तो ये हम लोगों को, ये केजरीवाल जब से आया है लोगों को गुमराह किया है, हमारे लोग भटके भी हुए। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा इस बार फरवरी में चुनाव होने वाला है? फरवरी में चुनाव होने वाला है तो हम मेहनत करेंगे भाई, जो मेहनत करे उससे ज्यादा कोशिश करेंगे, मेहनत करें, अपने लोगों को कैडर के माध्यम से जागरूक करें, जैसे जो नहीं समझ पा रहे उसको घर घर जाके समझाएं, हम जमीनी स्तर पे भी काम करें, ना कि हवा हवाई भी बात करके खाली लोगों को चूतिया बनाते रहे। वो करेंगे जो कह रहे हैं ना वो करके दिखाएंगे, हम सबको बताएंगे, सबको जागरूक करेंगे इनके बहन जी के बारे में, हर चीज के बारे में कि हम बहुत पीड़ित हैं, हमारी बहन बेटियों सब भी पीड़ित हैं।